हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। देखिए, अगर आपका आधार कार्ड है और उसमें कोई आपको करेक्शन करनी है, जैसे आपका नाम गलती है या फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या आपका एड्रेस जो है वो गलत है, तो वो आप घर बैठे जो है कैसे जो है उसको करेक्शन करेंगे, कैसे उसके लिए जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप घर बैठे जो है अपने आधार कार्ड को सुधार पाएंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसकी मदद से जो है आप आधार कार्ड को सुधार सकते हैं ऑनलाइन। देखिए, यहाँ पे आधार से रिलेटेड और बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, कैसे आधार को डाउनलोड करते हैं, कैसे करेक्शन करना है, कैसे अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, कैसे आप डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपने बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और उसके बाद आप आधार को कैसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आधार इनरोलमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे EU ID वर्चुअल ID कैसे जनरेट करेंगे, ये सारी रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है आधार की, वो ऑलरेडी वीडियो हमारे जो चैनल पे है वो आपको मिल जाएंगी। हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आधार के नाम पे बनी हुई है। आधार से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स पे वीडियो आपको सेपरेटली जो है मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं हर टॉपिक्स पे, और उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। अभी करंट जो अपडेट है उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे अपडेट करने के लिए अगर आपको आधार में जो करेक्शन करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन पे यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिल रही है डॉक्यूमेंट अपडेट का, तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर और जो कैप्चा दी गई है इसको टाइप करके सिंपली सेंड OTP बटन पे क्लिक करना पड़ता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड जो आधार से मोबाइल नंबर है लिंक है, उस पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है लॉगिन होने के बाद आपको शो हो जाएगा, जहां से जो है आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको PVC आधार कार्ड मंगवानी है तो वो आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको आधार में जो है अपडेट करेक्शन करनी है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन KYC कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट अगर किसी किए हैं तो उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। यहाँ पे माई हेड ऑफ फैमिली का रिक्वेस्ट जो है, यहाँ पे एड्रेस शेयरिंग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। देखिए, अगर आपका आधार जो है बिना डॉक्यूमेंट के बना हुआ है, बहुत पुराना आपका आधार है, जब 2013-12-13-14 में बन रहा था उसी समय आप बनवाए हैं, और अभी तक जो है अपने आधार में किसी तरह का जो है अपडेट नहीं करवाए हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो है आप अपडेट नहीं किए हैं, तो उसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है सबमिट करना जरूरी है। उसके लिए आपको यहाँ पे डेट जो है 14 सितंबर 2023 रखी गई है, तो इस डॉक्यूमेंट को जरूर से जरूर आप लोग जो है अपडेट कर लें, क्योंकि अगर आप जो है आधार में किसी तरह का अपडेट नहीं किए हैं जब से बनवाए हैं, तो आपको ये करना नेसेसरी है। अभी जो है ये अपडेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, मे बी 14 सितंबर 2023 के बाद इसमें भी आपको कुछ चार्ज पे करना पड़े। जैसे अभी आधार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में 1000 रुपये की जो है राशि लग रही है, उसी तरह से ऐसा ना हो कि इसमें भी 14 सितंबर 2023 के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो है यहाँ पे पेमेंट पे करना पड़े। यहाँ पे आधार अपडेट हिस्ट्री को जान सकते हैं, जो अगर आप आधार में जो है किसी तरह का करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट डाले हैं तो उसके स्टेटस आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आधार अपडेट पे चलते हैं। आधार अपडेट पे जो है आप चलेंगे तो अगर आपको ऑनलाइन जो है आधार में करेक्शन करवानी है तो अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होता है। यहाँ पे जो है प्रोसीड टू अपडेट आधार पे जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आधार में करेक्शन कराना चाहते हैं तो 50 रुपये जो है आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम क्या क्या ऑनलाइन जो है घर बैठे करेक्शन करा सकते हैं। तो प्रोसीड टू अपडेट आधार पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है नेम जो है एक अपडेट लेफ्ट बचा हुआ है, आप नाम को एक बार जो है सुधार सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है सुधार करने का जो है यहाँ पे कोई चांस नहीं दिया गया है। जेंडर को भी आप जो है अपडेट नहीं कर सकते हैं। एड्रेस जो है यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम जो है करेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जेंडर जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमने सुधरवा लिया था, पहले गलती थी,
तो देखिए यहाँ पे जो है कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जेंडर सुधार करने का ऑप्शन। डेट ऑफ बर्थ भी जो है हम नहीं सुधरवा सकते हैं, पहले भी हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत था, ऑलरेडी हमने सुधार लिए हैं। नेम जो है एक बार हम अपडेट कर सकते हैं, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो आप अपडेट कर पाएंगे वो एड्रेस का ही यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे एड्रेस जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको करेक्शन करना है एड्रेस तो प्रोसीड टू अपडेट आधार पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आप अपनी एड्रेस को जो है यहाँ पे जो है डिटेल्स जो आपको करेक्शन करना है वो डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग डिपार्टमेंट नंबर पूरा डालेंगे, स्ट्रीट लाइन जो है उसका एड्रेस डालेंगे, एरिया लोकेलिटी सेक्टर जो डालना है वो डालेंगे, लैंडमार्क जो आपको देना है वो डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट डालेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद विलेज डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट के सपोर्टिंग एक डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जिससे आप पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, बैंक अकाउंट दे सकते हैं, विकलांग है तो डिजेबिलिटी आईडी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन दे सकते हैं, गवर्नमेंट आईडी कार्ड दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, किसान फोटोग्राफ पासबुक दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके पेमेंट करके जो है आप अपने एड्रेस को जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो ये नई अपडेट थी जिसके बारे में डिटेल्स हमने इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।